हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे मावा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्केट में मावा ज्यादातर मिलावटी ही मिलता है, और खासकर फेस्टिवल सीजन में तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी हमें मावे की कोई चीज बनानी होती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट मावा, जो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मावा बनाना। मावा बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। उसमें मैं डालूंगी आधा कप दूध। ये मैंने गुनगुना दूध लिया है, ठंडा दूध हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप घी। ये लगभग 2 टेबल स्पून है। घी और दूध को इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 1 कप मिल्क पाउडर। ये हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, स्मूथ बैटर तैयार हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और मावा बना लेते हैं। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें डालेंगे ये मिक्स जो अभी हमने तैयार किया था। ये देखिए, इसमें कोई लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ बैटर है ये। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे अभी। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, साइड्स को भी इसको छुड़ाते जाना है, लगातार इसको चलाते रहना है और साइड से छुड़ाते जाएंगे। ये थोड़ा सा पतला होगा, जैसे ये पकने लगता है तो पतला होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है। अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है और लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा और स्मेल आने लगेगी और खाने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, चिपकने लग गया है और ये गाढ़ा भी होने लग गया है। अब इस तरह से दबाते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, पकने लग गया है, इस तरह से ये तला छोड़ने लग गया है। अब इसको हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है, बहुत थोड़ा सा पकाना है। ये देखिए, इस तरह से इतना गाढ़ा ये हो गया है और तला भी इसने छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये मावा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल बाजार जैसा दानेदार मावा बनकर तैयार हुआ है। इसको आप किसी भी मिठाई, गुलाब जामुन, बर्फी, मालपुआ या कोई भी रेसिपी जिसमें मावा यूज होता है उसमें यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।